हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक रिकॉर्ड हिंदी में। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने किसी भी फ़ोन को कैसे जो आप अपडेट कर सकते हो एंड्रॉयड 9.0 या फिर कहिए एंड्रॉयड पाई में, एंड्रॉयड पी में कैसे अपडेट कर सकते हो। यार इसके बारे में मैंने पहले कुछ वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत लोगों ने कहा कि भाई मेरे मॉडल के लिए जो है, कुछ बंदों ने कहा कि मतलब मेरे मॉडल के लिए रोम अवेलेबल नहीं है या फिर मुझे करने में बहुत परेशानी हो रही है, तो कोई इजी वाला सॉल्यूशन बताइए। तो यार आज के इस वीडियो में जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो यार गर्दा तबाही वाला ट्रिक है। मतलब इजी, कम टाइम लगेगा करने में और बिल्कुल सेफ। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरा जो ये फ़ोन है ये एंड्रॉयड 8.1.0 पर रन कर रहा है, मतलब कि ये ओरियो पे रन कर रहा है। तो मैं इसे जो अपडेट करने वाला हूँ एंड्रॉयड 9.0 में, तो यार ये देख सकते हो एगस्टर वगैरह सब कुछ यहाँ पे 8.1 है, तो ये स्टॉक एंड्रॉयड 8.1 ही है। तो यार लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी। और यार ये देखो सब्सक्राइब का बटन है और साइड में घंटा का बटन है, सब्सक्राइब दबाने के बाद घंटा बटन दबा दो। और यार शेयर का बटन बलग में है, शेयर भी कर दो अभी के अभी व्हाट्सएप पे ताकि और भी लोगों को पता चल जाए। और यार लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये है आपका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे चेक कर लेना भाई, आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड लिंक। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो कमेंट रहेगा, तो कमेंट में भाई कर दो एंड्रॉयड अपडेट ट्रिक, ये आपको लिख के कमेंट कर देनी है। तो ये आप करने के बाद बस यार यहाँ पे देखो अब प्रोसेस की ओर चलते हैं। ये एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ES फाइल एक्सप्लोरर, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे चेक कर लेना भाई। आपको ये 3 डॉट जो मिलता है उधर से क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे रूट एक्सप्लोरर रहेगा, इसे आपको क्लिक करके ऑन कर देनी है। और ये सुपर एशियो अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है या फिर मैजिस्क मैनेजर है इंस्टॉल्ड तो उसे आपको ग्रांट कर देनी है। और ग्रांट करने के बाद यहाँ पे आपको जो होम पेज मिलता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस मिलेगा स्लैश लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यार ये देखो आपका सिस्टम जो है कंप्लीट शो हो रहा है, व्यू हो रहा है, तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक सिस्टम का फोल्डर मिलेगा, फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो स्वाइप अप आपको करना पड़ेगा, तो स्वाइप अप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये बिल्ड डॉट प्रोब जो लिखा हुआ है ये फाइल आपको मिलेगा। तो यार इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ES नोट एडिटर आएगा, उससे आपको व्यू करना है। उसके बाद यार ऊपर में देखो कॉर्नर में एक पिन है, एडिट करने का एक पेन है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखें एंड्रॉयड वर्जन रिलीज जो है ऊपर में लिखा हुआ है 7th या 8th नंबर पे, तो पेन पे मतलब एडिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको कट करनी है 8.1.1। तो ये आपका सिस्टम है और सिस्टम में आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, यहाँ पे स्पेस वगैरह कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी स्पेस ना दे बीच में। जैसे ये देखते हैं 9.0.0, मैंने बीच में स्पेस भी नहीं दिया, बस मैंने 9.0.0 मैंने लिख दिया। और ये लिखने के बाद बस आपको बैक पे क्लिक करनी है, आपको ये कंफर्म के लिए बोलेगा कि सेव करना चाहते हैं या नहीं, आपको यस करनी है। यस करने के बाद आपको बैक आना है और ये देखते हैं कंप्लीट चेंज हो चुका है। और बैक आने के बाद आपका फ़ोन जो है वो आपको रीस्टार्ट कर देनी है और फ़ोन आपका बूट होने में बस यार नॉर्मली कुछ देर लगेगा, मैंने स्किप कर दिया वीडियो को। तो यार ये देखो मेरा फ़ोन बूट हो चुका है, ऑन हो चुका है दोबारा। और अब मैं आपको करंट में जो अपना सिस्टम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं अबाउट फ़ोन में जाने के बाद ये देखते हैं एंड्रॉयड 9.0.0, ये मेरा कंप्लीट वर्जन चेंज हो चुका है, जो मेरा फ़ोन है वो अपडेट हो चुका है। बस यहाँ पर मैंने 4 मिनट के अंदर मैंने आपको बता दिया कैसे अपडेट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा कि मतलब कैसे जो है मैजिक्स को इंस्टॉल करना है, जो मैजिक्स जो सुपर एशियो होती है वो आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल नहीं रहेगा, तो उसे करने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक वीडियो का, उसे देख लेना भाई कि सुपर एशियो या फिर मैजिक्स मैनेजर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपको बस यार ES फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड करना है और जो प्रोसेस मैंने दोहराया वो आपको कर देनी है। आपका देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और यार सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा दो, यार शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे फैला दो इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।